हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये बॉर्डर की डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए, तो इस बॉर्डर को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर मेंशन कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर या कार्डिगन, आप कुछ भी बना रहे हैं, या सॉक्स, ग्लव्स, तो उस पर आप ये बॉर्डर बना सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर बहुत ही टाइट होता है। ये देखिए, काफी अच्छा भी लगता है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इस बॉर्डर को बनाने के लिए फ्रेंड्स, फंदों का कोई इशू नहीं, आपको जितना भी अपने प्रोजेक्ट पर फंदे डालने हैं आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने टोटल 45 फंदे लिए हैं। 10 नंबर के हमने नीडल यूज किया है, ये देखिए। 10 नंबर के सलाई से हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। अगर आप पतली ऊन हो ज्यादा, ये मेरी पतली ऊन नहीं है, वर्धमान की ऊन है, तो आप उसको 12 नंबर से भी बना सकते हैं बॉर्डर को, लेकिन मैंने इसको 10 नंबर पे बनाया। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल 45 फंदे लिए हैं, यानी 45 फंदे लिए हैं। तो ये बॉर्डर की पहली लाइन है। तो पहले फंदे को हमने देखिए उल्टा बनाएंगे। तो उल्टा कैसे बनाएंगे, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। हम फंदे को ऐसे नहीं डालेंगे, ये देखिए, हम इसको ऐसे इसके ऊपर से ले जाके ऐसे इसको गिराया, फिर फंदे को, सॉरी, ऊन को हम पीछे ले गए, और यहां से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। सीधे फंदे पे हमने ऐसे नहीं डालना है धागे को, ऐसे करके तब हम ये लूप निकालेंगे। फिर आगे की साइड लाए और यहाँ पे एक फंदा उल्टा को पीछे ले गए, एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे लाए उल्टा, बस इसमें एक यही देखिए नॉर्मल ही बॉर्डर की तरह बनता है, लेकिन आपने फंदे को उनको ऐसे ही फंदे लेने हैं। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर उनको हम अपनी साइड लाएंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बनाया, ऐसे उनको पीछे ले गए, ये देखिए, हम यहीं से फंदे को निकालेंगे और ये फिर उनको अपनी साइड उल्टा, उनको पीछे ले गए सीधा, यानी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इसके हमने बॉर्डर बनानी है। लेकिन हम यहाँ पे नए तरीके से लूप को निकाल रहे हैं, ये देखिए। फिर आगे की साइड लाएंगे, उल्टा बनाया, फिर पीछे की साइड ले गए हम, देखिए, फिर आगे की साइड, पीछे ले गए, ऐसे ही ये हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए, हम आगे की साइड से एक सिलाई बुन ली है। अब हम पीछे की साइड आए हैं, तो पीछे की साइड हमने क्या करना है, उल्टे पे उल्टे की नीटिंग और सीधे पे सीधे की बुनाई हमने करनी है, सेम वैसे ही। तो देखिए, यहाँ पे पहला फंदा हमारा सीधा है, तो इसको हम ऐसे ले जाके और फिर उनको इसके ऊपर से फंदे निकालेंगे, फिर धागे को अपनी साइड लाए और यहाँ पे देखिए, हम एक फंदा उल्टा, ये देखिए, यानी हमने यहाँ पे उल्टे पे उल्टा बनाना है और सीधे फंदे पे सीधा बनाना है। फिर उनको अपनी साइड, यहाँ पे उल्टा है तो उसको हम उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे ले गए, यहाँ पे सीधे फंदे पे हम सीधा बनाएंगे, फिर ये देखिए सीधा फंदा, फिर उनको अपनी साइड लाए, यहाँ पे उल्टा है तो उल्टे पे हम उल्टा फंदा बुनेंगे, सॉरी ये फंदा स्किप हो गया, उल्टे पे उल्टा, यहाँ पे देखिए सीधे पे हमने सीधा बनाना है। फिर फंदे को हम आगे की साइड लाएंगे, उनको उनको पीछे किया, एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बनाया, उनको आगे किया, एक फंदा उल्टा, फिर ये पूरी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल 2 रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे ही ये हमारी बॉर्डर बनती हुई जाएगी। तो चलिए हम इतना कंप्लीट करते हैं, इसे 3 से 4 इंच का बॉर्डर, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 से 4 इंच की बॉर्डर हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग जरूर इसको ट्राई करें। ये देखिए,
आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।